हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन के स्टेटस के बारे में। अगर दोस्तों आपने 2023 में या फिर दोस्तों 2024 में अपना जो फॉर्म है वृद्धा पेंशन का, विकलांग पेंशन का या फिर दोस्तों कोई अन्य पेंशन का जो फॉर्म है ऑनलाइन कराया था, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूवल कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो आज की वीडियो में हम 2024 में जानेंगे कि आप किस प्रकार से जो नया तरीका है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और दोस्तों विधवा पेंशन का स्टेटस चेक करने का, वो दोस्तों आपको इस वीडियो के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको नोट करके बता दूँ, अगर दोस्तों आपको नए पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही। अगर दोस्तों आप पुराने पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन आ रही है और रुक गई थी, अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आएंगे तो नीचे आपको तीनों पेंशन मिलेंगी, उस पर जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आप यहाँ पर बस देख लीजिए, फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है आपको समझ में आ जाएगा। तो पेंशन की जो सूची है इसमें आपको क्लिक करके आपको अपना जो नाम है वो देख लेना है और वहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन पुराने पेंशन धारक निकाल लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है वृद्धा पेंशन ऐप। और जैसे आप वृद्धा पेंशन ऐप लिखते हैं तो आपको फर्स्ट वाला जो पेंशन का ऐप है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऐप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इस ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन वाला जो यहाँ पर बटन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल का बटन। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो ऐप है उसका इंटरफेस इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है उसे ऑन रखना है और उसके बाद जैसे आपका जो ऐप है यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहली वाली लाइन में एलिजिबिलिटी, पेंशन की लिस्ट और तीसरा है पेमेंट का स्टेटस। तो आपको क्या करना है, पेमेंट और स्टेटस वाले बटन पर ही क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि पेंशन के आवेदन एवं भुगतान की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन आवेदन की 12 अंकों की रजिस्ट्रेशन संख्या को अंकित करना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन का बटन है तो आपको यहाँ पर जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर दोस्तों विधवा पेंशन हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो दोस्तों आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देती हैं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर पहले फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक वृद्धा पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब हम सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टेटस है वो ओपन हो रहा है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो भी पेंशन होगी उसका नाम आपको मिल जाएगा, समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन। अगर आपकी विकलांग होगी तो यहाँ पर आपको विकलांग पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशन मिलेगा। अगर आपकी विधवा पेंशन होगी तो आपको यहाँ पर विधवा पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया आवेदक द्वारा भरा गया आवेदन पत्र। तो इन्होंने दोस्तों अपना जो फॉर्म है 2023 में फिलअप किया था, जो कि दोस्तों उसकी डेट है वो यहाँ पर लिखी गई है कि इनका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ था बी डी ओ और एस डी एम के पास ऑन 3 जून यानी कि 3 जून 2023 को। अब दोस्तों इनका जो फॉर्म है वो लेवल नंबर 2 में 17 जून 2023 को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया गया था जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास। इसके बाद का जो प्रोसेस है अभी इनका यहाँ पर ऑप्शन में रिजेक्ट या फिर दोस्तों अप्रूव्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा नहीं हुआ है, ये दोनों ऑप्शन अभी इनके खाली हैं। और इसका जो और नीचे का डिटेल्स है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे कि इनका दोस्तों फ़ोटो, एड्रेस, इसके साथ बैंक अकाउंट और ऐप प्रमाण पत्र का नंबर सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख पाएंगे कि
अगर आपका जो फॉर्म है लेवल नंबर 3 से पार क्रॉस कर चुका है और लेवल नंबर 4 में फॉर्म रीवेरिफिकेशन हो चुका है और PFMS में आपका जो अकाउंट है PFMS वैलिडेट हो चुका है, तो आपकी जो आने वाली किस्त है वो दोस्तों जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि है या फिर आपका फॉर्म अभी नहीं अग्रेषित किया गया है, तो आपकी पेमेंट दोस्तों अब अगले जो भी क्वार्टर है वो उसमें आपकी जो पेमेंट है वितरित की जाएगी, उसमें आपका पैसा आने वाला है। तो इस प्रकार से आप इससे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है प्रिंट आउट निकालने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे PDF फॉर्म में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 2023 के बाद 2024 में दोस्तों आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो है यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो साथ ही वो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।